तो हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एक स्पेशल छत्तीसगढ़ की भाजी लाया हूँ जो कि काफ़ी फायदेमंद होती है और इसे खाने में, और ये जो मल पित्त होता है उसे शांत करता है और ये बरसात के समय ही मिलता है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसे बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे बनाना है। तो इसे सबसे पहले हमने धो के ले लिया है, इसे धोना अच्छे से पड़ता है क्योंकि इसमें रेत बहुत होती है, रेतीले जगह पे होती है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे पत्ते होते हैं इसका और ये रेतीला होता है। तो इसे 2-3 पानी से धोना पड़ता है, बरसात के समय ही ये मिलता है और ये काफ़ी महंगा मिलता है। तो आप इसे एक बार सीजन में ज़रूर खाइए और अपना शरीर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं, इसे गुमी भाजी बोला जाता है इधर क्षेत्र में, और बाकी आपके स्थान में इसे क्या बोला जाता है आप जरूर इसे ट्राई सर्च करके मुझे कमेंट में बताइए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट इसे हम तोड़ लेंगे। तो तोड़ना कैसे होता है, ये होता है इसका पूरा डंठल। तो इसके जो मोटे डंठल थे उसे बस हम निकाल लेंगे। तो ये आप ये देखते हैं, नरम अलग से रखेंगे, ये डंठल है उसे साइड में रख देंगे। तो ये ही प्रोसेस है क्योंकि ये थोड़ा सा डंठल जो होता है हार्ड हो जाता है, तो इसलिए इसे थोड़ा सा खाने में उतना सही नहीं रहता। तो ये आप ऐसे और ये ऐसे तोड़ते रहिए, और तोड़ के इसे पूरा एक अलग से उसमें रखते रहिए। ये बड़े बड़े ऐसे होते हैं, बहुत सारे शाखाएँ होते हैं इसमें। तो इसे आप फिर से बता देता हूँ, इसे बोलते हैं गुमी भाजी बोला जाता है। ये का बरसात के समय मिलता है और ये मल पित्त को शांत करने के लिए आयुर्वेदिक भाजी है। तो इसे काफ़ी हर समय नहीं मिलता और बहुत महंगी मिलती है भाजी, और इसे ज़रूर हमें खाना चाहिए, अपने डाइट में शामिल रखना चाहिए। साल में तो एक आध बार इसे ज़रूर खाएं क्योंकि इसी समय ये मिलता है, तो इसका हमें उपयोग ज़रूर करना चाहिए। तो हमने भाजी तोड़ लिया है और तोड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसे उबाल लेंगे। तो इसमें पानी डालेंगे और एक उबाल पानी में अच्छे से उबाल लेंगे। उबालना इसलिए ज़रूर होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसका जो स्मेल होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उबालना ज़रूरी होता है। और ये अभी मार्केट में कई जगह भी मिल जाती है। तो आप इसके पत्ते देख सकते हैं कैसा होता है, ऐसे नुकीले नुकीले होते हैं, तो ये समझ जाइए। देखिए तो ये ज़रूर एक बार लेके ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे उबालते हैं और ढंग से उबाल देंगे। तो ये क्या है, उबलने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, अभी जैसे ये ज़्यादा लग रहा है, जैसे उबलेगा तो आप देखिएगा कितना कम होता है इसका क्वांटिटी, एकदम थोड़ा सा हो जाएगा। तो एक उबाल देते हैं फिर आपको मैं, तब तक हम क्या करते हैं, जब तक इसमें उबाल आए तब तक हम क्या करते हैं, प्याज मिर्च लहसुन और टमाटर काट लेते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं लगता, अपने हिसाब से क्वांटिटी जितना आपका भाजी है उतना आप ले लीजिए। तो ये मैं एक प्याज लूँगा, बड़ा सा प्याज है, और से छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगा, बारीक पीस में कर दी होगी मेरा प्याज। लेता हूँ लहसुन को, लहसुन को भी आप छोटे छोटे पीस में चॉप कर लीजिए। अगर काटने का तो काट लीजिए, या आपके पास कोई चॉप करने का दूसरा तरीका है तो आप कर लीजिए उसे। लहसुन ज़रूर डालिए, साथ में डाल देंगे प्याज, साथ में कर देंगे मिर्च। से बारीक डंठल को अलग अलग रख दूंगा। तो टमाटर भी अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। जो गोमी भाजी है जो बना रहे हैं उसे आज दाल में बनाएंगे हम, चना दाल या राहर दाल जो आपके पास। अब पहले अभी हम इसी को उबाल लेते हैं, भाजी को पूरा काट के तैयार कर चुके हैं, और जैसे हमारा भाजी उबलेगा उसके बाद हम बनाना आगे प्रोसेस करेंगे। तो भाजी दिखाता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं उबल के कितना थोड़ा सा हो गया है, पहले फुल भरा था ये। तो आप इसमें मैं दाल ऐड कर दिया हूँ, ये देखिए, ताकि दाल भी साथ में उबल जाए। और ये हमारा उबल चुका है, ज़्यादा नहीं उबालेंगे इसको, तो इसे कम करेंगे और एक छन्नी है हमारे पास, इसकी मदद से इसे छान लेंगे। तो मैं आपको छान के दिखाता हूँ।
तो आप ऐसे इसे छान के रख लीजिए। देखिए ये उबल चुका है, उबलने के बाद ऐसा हो जाएगा, इसमें दाल डाल दी हूँ। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो ले ली हमने कढ़ाई, उसी कढ़ाई को ले लेंगे इसमें ऑयल। तो अपन डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। तो ये अच्छे से गर्म हो गया, ये है हमारी लाल मिर्च। तो इसे पहले तड़के डालेंगे, जो काटे थे प्याज प्याज कर देंगे, साथ में डाल देंगे मिर्च और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर सारे। तो इस तरह से टमाटर थोड़ा अच्छे से रहने से तो ज़्यादा टेस्ट करेंगे। थोड़ी देर इसे भूनेंगे, जितना आपको सही लगे, और डाल देंगे उसके बाद सारे हरी को कर लेंगे। अब इसे अच्छे से हम पकाएंगे। तो 15 से 20 मिनट इसे मीडियम आंच में पकाएंगे, जब तक इसमें का पानी थोड़ा सा कम ना हो जाए। तो 10 मिनट हो गए मुझे इसे ढक के पकाते हुए, और भाजी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें का जो थोड़ा सा पानी है उसे बस हम कम करेंगे, बाकी तो देखिए शानदार बन चुकी है भाजी। तो लेते हैं थोड़ा सा लेते हैं, फिर तो खाना में खाना ही है। तो ये आप मैं आपको दिखाने के लिए टेस्ट करता हूँ, ये देखिए। तो ये बन के तैयार है, आप देख सकते हैं, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा बना है, देख सकते हैं पास से। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो ऐसे नहीं उठाइए, गर्मा गर्म है भाजी। क्या बताऊँ आपको, बहुत टेस्टी बना हुआ है भाजी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।